गाइस आज हमारे पास BS6 आई हुई एक्टिवा, तो आज इसमें एक प्रॉब्लम है। तो गाइस इसमें हल्की सी मिसिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये मिसिंग ऐसी कि मिसिंग मारते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ वगैरह सब कुछ लेती है। अगर किसी सेंसर की दिक्कत होती तो यहाँ पे लाइट आ जाती, बट वो वाली लाइट नहीं आ रही थी। तो इसमें ये वाली दिक्कत है कि ये देखो, आप देख सकते हो ऑयल फिल्टर, जैसे ऑयल फिल्टर लिखा था इसमें, लेकिन ये पेट्रोल फिल्टर होता है। तो ये सर्विस के टाइम चेंज नहीं होता, वो मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ पे इंस्टॉल होगा और कैसे चेंज करना है इसको। तो पहले तो इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो गाइस इस वाली गाड़ी में दो प्रॉब्लम थी, एक तो स्विच की थी और मिसिंग की प्रॉब्लम थी। तो स्विच से भी मिसिंग हो सकती थी, तो इसलिए उसको भी ठीक कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। तो वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको शो हो रही होगी ये वीडियो। तो देन अब जो हम प्रोसेस है, ये हमारा पेट्रोल फिल्टर का है, जो कि कोई चेंज नहीं करता। बहुत रेयर होता है कि इसको खोलना पड़ता है, बहुत झंझट होता है। तो मैकेनिकों को आदों को ये भी नहीं पता कि इसमें पेट्रोल फिल्टर है BS6 में। तो इनको कईयों को ये भी नहीं पता कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, बट ये बहुत इंजेक्टर का एक पार्ट है जो हमें साफ़ करवाना चाहिए सर्विस के टाइम पे। मैनुअल में है ये, तो आपने कभी देखा हो तो इसकी मैनुअल पढ़े। तो मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर दो प्रॉब्लम है तो दो वीडियो भी हो जाएंगी, और मेरे सब्सक्राइबर्स और जितने भी यूट्यूब चैनल के फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उनको भी ये पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल जितनी भी BS6 चल रही हैं, तो लोग सर्विस तो करवा लेते हैं, देन उसके बाद किसी अगर रेगुलर चला रहे हैं तो देन उसके बाद खड़ी कर दें। रेगुलर चल रही होती तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती, अगर कहीं खड़ी कर दें तो उसमें मिसिंग होने लग जाती है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि टैंकी में हवा भर गई है, या फिर आपकी हीटिंग प्रॉब्लम से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या किसी और रीज़न की वजह से, बट वो भी हो सकता है। फर्स्ट स्टेप हमारी यही होता था BS3 में, जितनी भी गाड़ियाँ आती थी कि उसमें BS4 में कि गैस बन जाती थी टैंकी के अंदर या फुल करवा लो। तो इसमें ये वाली भी प्रॉब्लम फेस करने को आई है बहुत लोगों को। तो ये पर्पज़ यही था वीडियो बनाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर न्यू है तो। गाइस हम इसकी पूरी मोटर बाहर निकाल लेते हैं, बट उससे पहले हमें लॉक पीछे करने पड़ेंगे। वो देख सकते हैं आप, मैंने लॉक इसके पीछे कर लिए हैं, और इसका पेट्रोल निकाल लेते हैं सारा का सारा बॉटल्स में। तो ये बॉटल्स में निकालने का रीज़न ये है क्योंकि इसके जो टूल हैं वो मेरे को अभी करोल बाग में कहीं मिले नहीं थे। तो मेरे को अपना काम तो करना ही है, बट कहीं ना कहीं पर मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, क्योंकि टूल्स मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाए हैं करोल बाग में। फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर छोटे मोटे जुगाड़ से, आप देख सकते हैं कि मैंने
पाइपें ऐसी खोल दी हैं, जितनी भी पाइप थी, दो पाइप थी इसकी मोटर में जितनी भी लगी थी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने एक साइड में बल्ब लगाया है और एक साइड में कोई यूज स्पार्क प्लग लगाया है, वो भी आप पूरी वीडियो में देखेंगे। या जितना भी पेट्रोल मैं सेव कर सकता था मैंने पूरा करा, मैंने टैंक से पूरा निकाल लिया था और बॉटल में ज़रा जितना भी आ रहा था, आप देख सकते हैं पाइपें ही इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो सारा पेट्रोल मेरे को वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ से पेट्रोल बच सकता था बचाने की कोशिश करी है। चक्कर में मिसिंग मार रही थी मुझे, ऐसा फिर बोल रहा था, बड़ा मजा आ रहा, ओवरिंग लगाना जरूरी है, कंपलसरी है ये।
बिकॉज इंजेक्टर हमारा फिल हो जाए पेट्रोल से, समझे आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। अरे भाई रजनी मंगा लेना। क्या कह रहा है, मैं क्या, मेरा क्या बताएगा तू? मेरे तो पास टिकट भी निपटे चले गई। बंद कर दो गाइस। तो आज हमारे पास ये BS6 आई हुई थी, इसमें हमने पेट्रोल फिल्टर चेंज करा है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि पेट्रोल फिल्टर चेंज करा है, तो ये इसका प्रोसेस था, मैंने वो भी वीडियो में पूरा दिखाया है कैसे चेंज होगा। तो ये प्रोसेस हमने ये चेंज इसलिए करा है, तो आप पास आके देख सकते हैं, मैंने पहले भी समझाया आपको। तो ये इसका जो जितना भी है, ये फ़िल्टर बहुत माइक्रोन्स पे होते हैं ये, तो करके ये पूरा फ्लो नहीं दे पाते, और वो इंजेक्टर होता जब तक वो रिफ़िल नहीं होगा तो वो पूरा प्रेशर नहीं दे पाएगा। तो जब भी आप सर्विस कराएं या दो सर्विस के बाद ये ज़रूर चेंज कराएं। इस वीडियो में यही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।